हाय, मेरा नाम है मयूख। आप देख रहे हैं चैलेंजिंग लाइफ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ, ताकि मैं आपको इंस्पायर और मोटिवेट दोनों रख सकूं। अंत मतलब खत्म, दी एंड। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बाकी कुछ नहीं रहा है। ऐसा उस वक्त लगता है जब वक्त हमारे साथ नहीं होता है। उस समय हम जो भी काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। खुद को बहुत वीक लगता है, लगता है कि अब सब कुछ अंत हो चुका है। लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि हर अंत के बाद ही एक नई की शुरुआत होती है, हर रात के बाद ही दिन की शुरुआत होती है, हर हार के बाद ही जीत की शुरुआत होती है। बस लगातार बने रहने की जरूरत होती है। अंत शब्द कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, इस अंत शब्द को बनाया गया है। हमारे और आपके मन को दुर्बल बनाने के लिए अंत शब्द को बनाया गया है। इस अंत शब्द को आविष्कार किया गया है हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए। यदि आप अगर एक बार अपने दिमाग में घुसा लेते हो कि यही अंत है, तो आपका फुल स्टॉप वहीं लग गया। आप सोच रहे हैं कि मौत ही तो जीवन का अंत है। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। मौत तो सिर्फ जीवन का अंत है। आप जिस भी धर्म से हो ना क्यों, आपके धर्म में भी लिखा हुआ होगा कि मौत के बाद शुरू होता है एक नया अध्याय, जहां रहेगा स्वर्ग, नर्क, जन्नत और जहन्नम। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मौत ही अंत है? मौत तो सिर्फ आपका शरीर का अंत होता है, आपका आत्मा का अंत नहीं होता है। तो आप जब असफल होते हैं तो सब कुछ खत्म सोचकर अपने आप को अकेला घर में बंद करके सोचते हैं कि यही अंत है, दी एंड। नो, यू आर रॉन्ग। उस घर से ही शुरू होगी एक नई अध्याय, उस घर से ही शुरू होगा एक नया सफर, नई कहानी। आपके मन में चल रहे तूफान को बाहर निकाल दो, दुखों को बाहर निकाल दो। जो दिन बीत गए हैं उसके बारे में भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो उस बात को जिसके चलते आज आपका ये हाल है, और कोशिश करो कि आने वाले दिनों में सेम गलती ना हो। वर्तमान के बारे में सोचना शुरू कर दो। बीते हुए दिन के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो। खुद को दुखी मत करो। जो चला गया है उसे अब आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आप भविष्य में पा सकते हो उस पर पूरा फोकस करो। पृथ्वी एक रेस ट्रैक है जहाँ सब दौड़ रहे हैं। ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते हैं कि वो क्यों दौड़ रहे हैं, लेकिन वो भी कंटिन्यूस दौड़ रहे हैं। कारण, कोई भी रुकना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको भी सबके साथ दौड़ना पड़ेगा। यही जीवन की रीत है, भागो और भागते रहो जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुँचो। आपका असफलता की कहानी कोई नहीं सुनेगा। आपका असफलता के दिनों में आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तब आपको लगेगा कि ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, लेकिन यही सत्य है। अब आप एक बार सोच के देखें, जब आप किसी असफल व्यक्ति के बारे में सुनना पसंद नहीं करते थे, आज आप उसी जगह पर हो और आप इस कठिन समाज की कठिन सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सबको गलत समझ रहे हैं, यही कड़वी सच है। और आप बार बार यही सोचकर खुद को कस दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही अंत है, लेकिन हम आपको बार बार यही बोलेंगे कि ये अंत नहीं है। आप जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, जो भी परिस्थितियां में हो, आपको उस जगह से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये करके दिखाए हैं, आपको भी करके दिखाना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान दुर्बल नहीं है, सब में किसी न किसी तरह की शक्ति छुपी हुई है। आपको वही शक्ति बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। बस अब जो भी करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। जब आप ये समझ लेंगे कि आप सबसे ताकतवर इंसान हैं, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उस दिन से आपको कुछ भी अंत नहीं लगेगा। उस दिन से आपका जिंदगी का एक नया सफर शुरू होगा, एक नया कहानी शुरू होगा, और इस कहानी का कोई भी अंत नहीं होगा। सो दोस्तों, अंत में इस अंत शब्द को अपने दिमाग से अंतिम बार के लिए निकाल फेंको और शुरू कर दो। जो भी आपको मन से करना पसंद है, आप कोशिश करेंगे तो आप सब कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। सो ये था आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी मोटिवेट और इंस्पायर रह सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे आने वाले नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।